तो फ्रेंड देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं जो ये डैम का गेट को खोलने का काम करती है। देख सकते हैं ये पावर हाउस है और इसी डैम के पानी से लाइट का उत्पादन होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपका आरके ब्लॉग अमरपाड़ा यूट्यूब चैनल से आज आपके लिए नया वीडियो में हम आज जा रहे हैं दोस्तों रामसागर का डैम घुमाने के लिए। तो वहाँ का बहुत ही अद्भुत नज़ारा है और बहुत ही पानी भरा हुआ है और बहुत ही अद्भुत देख सकते हैं। फारूक भाई हमारे साथ में बने हुए हैं और आगे पप्पू भाई भी हैं। तो बन रहे मेरे चैनल में आपको ऐसे ही नए नए वीडियो दिखाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स मैं आपका आरके ब्लॉग अमरपाड़ा यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए नए वीडियो में जो बाणसागर का डैम है यहाँ का हम वीडियो दिखाएंगे आपको। देख सकते हैं ये चौकी है, यहाँ से हम आपको रसीद भी कटवाए हैं। 15 रुपया प्रति आदमी का चार्ज लगता है अंदर एंट्री के लिए, साथ ही 40 रुपये हर एक बाइक को जाने के लिए लगता है। तो देख सकते हैं हम आपको यहाँ का दिखा रहे हैं और अभी हम इधर चलेंगे इस लाइन में। हेलो फ्रेंड्स देखिए हम चल चुके हैं आपके लिए बाणसागर का डैम दिखाने के लिए, जहाँ बहुत ही मनोमोहक दृश्य है वहाँ का। ये रोड गई है और हमने परमिशन लेकर के अंदर आ चुके हैं। ये पहला गेट था, अभी आगे एक और गेट मिलेगा फ्रेंड। तो बन रहे मेरे यार के ब्लॉग अमरपाड़ा यूट्यूब चैनल में, चलते हैं आगे। यहाँ दो रास्ते हैं लेकिन आपको ये रास्ता जाना है, ऊपर वाला रास्ता जाना है। ये ऊपर रास्ते में ही आपको डैम मिलेगा। आपका आरके ब्लॉग अमरपाड़ा यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं। जैसे कि ये गेट जो दिख रहा है ये बाणसागर का दूसरा गेट है और हम अभी पहले गेट से रसीद कटवा के आए हैं, जो चार्जेस हैं अपने वाहन का चार्ज और अपना चार्ज देकर आए हैं। फ्रेंड्स और बताना चाहूंगा कि ये दूसरा गेट है और इस गेट में ही पार्किंग बना हुआ है। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं वाहन पार्किंग का आप कैमरे की निगरानी में भी है। पूरा व्यवस्था गवर्नमेंट ने यहाँ पर करवा चुके हैं जिससे यहाँ पर कोई भी समस्या न हो पाए। तो हम अभी चलेंगे अंदर, आप बन रहे मेरे वीडियो में, आइए चलते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये चौकी जो दूसरा गेट था वहां पर ये चेकिंग रसीद होती है। अभी थोड़ा वहां चलते हैं आपको लेकर के, आइए। बहुत ही सुंदर नजारा है फ्रेंड्स यहां पर। हम और हमारे पप्पू भाई हैं जो हमारे साथी हैं, हमेशा मेरे साथ में रहते हैं, घुमक्कड़ इंसान। मैं भी नंबर एक घुमक्कड़ इंसान हूँ और आपको भी घुमक्कड़ बनाता रहता हूँ क्योंकि आपको नए नए लोकेशन में मैं चलकर आता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये देखिए कितनी सुंदर छावनी बनी है। पूरा आपको नज़ारा दिखाऊंगा बाणसागर डैम जो यहाँ पर बना हुआ है। बहुत ही पानी है, देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये नज़ारा आपको दिख रहा है। ये जो पुल गई है फ्रेंड्स, देखिए आपको गाड़ी वाहन भी जाते दिखेंगे आपको। फ्रेंड्स आइए सर। तो फ्रेंड्स आपके लिए बाणसागर का डैम घुमाने मैं आ चुका हूं, देख सकते हैं बहुत सुंदर यहां का नज़ारा है। ये पूरा चट्टान के बगल से ये डैम बनाया गया है, बस पहाड़ों के किनारे से। ये देखिए पूरा सफ़ेद पत्थर यहां पर लगाया गया है और ये बाउंड्री से बीच से रास्ता गया है। चलेंगे आपको यहाँ का नज़ारा दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये पानी पूरा आपको दिख रहा है, बाणसागर का पानी है। ये रास्ता बाणसागर का जो डैम है वहां के लिए गए हैं। फ्रेंड्स हम चल रहे हैं आपको, ये देखिए बाणसागर का डैम जो बना हुआ है।
फ्रेंड्स देख सकते हैं कितनी गहराई है बाणसागर डैम में। देखिए रोड गई है, ये बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये पुल दिख रही है दोस्तों, कुछ वाहन आपको जाते दिखेंगे आपको फ्रेंड्स। यहाँ से ही पानी निकाली जाती है, जब ओवर पानी होता है ये डैम का पानी यहीं छोड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं जो ये डैम का गेट को खोलने का काम करती है ये मशीनें। जनरेटर भी यहाँ रखा हुआ है कि लाइट के द्वारा हम इस मशीन को चला करके गेट को उठा सके। ये देखिए बहुत बार बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर फ्रेंड्स लगी हुई है। फ्रेंड्स मैं आज पसीना पसीना हो चुका हूं। देखिए ये मशीन के पास में खड़ा हूं जो ये डैम के गेट को खोलने के लिए लगा हुआ है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो है जो वायर गई है ये डैम का गेट खोलती है। देखिए पूरा पानी से लबालब है फ्रेंड्स, धूप किया हुआ है फ्रेंड्स तो थोड़ा सा लाइट थोड़ा कम आती होगी, अंधेरा महसूस होता होगा फ्रेंड्स। अभी चलेंगे आगे के लिए। ये दूसरा गेट है फ्रेंड्स इस बाणसागर डैम का, देख सकते हैं कितनी गहराई है और बहुत ही डरावना यहाँ का लग रहा है गहराई होने के कारण। यहाँ जो फ्रेंड्स ये छेद बने हुए हैं ये पानी को निकासी के लिए बना हुआ है। उधर भी दिखाएंगे फ्रेंड्स ये मशीन, देखिए पानी बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स। गेट कुछ दिन पहले खुला हुआ था, हम सोचे गेट खुला होगा इसलिए हम आज आपके लिए वीडियो बनाने के लिए आए हैं। ये तीसरा गेट है फ्रेंड्स जो आपको दिखा रहे हैं। पांचवा गेट है तो फ्रेंड बताना चाहूँगा इस बाणसागर ये डैम में 17 गेट हैं। तो फ्रेंड्स हमने आपको ये देखिए इस गेट डैम के आखिरी छोर में आ चुके हैं हम। मेरे पीछे देख सकते हैं कितना लंबा सफ़र तय करके हम आ चुके हैं यहाँ तक। ये एक सीढ़ी गई है फ्रेंड्स, सीढ़ी जो गई है यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ जाते हैं और यहाँ का व्यवस्था की निगरानी करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं जो ऐसा है।
तो फ्रेंड देख सकते हैं ये पावर हाउस है और इसी डैम के पानी से लाइट का उत्पादन होता है और ये लाइट बहुत ही दूर दूर जाता है। ये देखिए यहाँ से ये पानी निकासी यहाँ पर हो रहा है। ये पावर पूरा ये पावर प्लांट है, यहाँ का बिजली उत्पादन का काम यहाँ होता है। बहुत ही खुशनुमा यहाँ पर नज़ारा जो दिख रहा है दोस्तों, हरियाली भरा हुआ है। तो फ्रेंड जैसे कि हम बताना चाहेंगे कि आज हम बाणसागर का सैर के लिए आपको लाए हैं। देख सकते हैं बहुत ही बड़ा डैम ये बना हुआ है और फ्रेंड्स बताना चाहूँगा कुछ आपको। तो फ्रेंड्स बाणसागर बांध में हम आज आए हैं जो मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले के देवलोंग नामक स्थान पर निर्मित है। अंतर्राज्यीय बहुद्देशीय बृहद नदी घाटी परियोजना है। यह बांध मध्य प्रदेश में सोन नदी सोनभद्र शिला पर बनाया गया है। देवलोंग रीवा से लगभग 56 किलोमीटर दूरी पर रीवा शहडोल मार्ग पर स्थित है। तो फ्रेंड्स यहां पर आप आइए, बहुत ही खुशनुमा क्षेत्र है। और बताना चाहूँगा ये डैम में 17 गेट बना हुआ है और ये 17 गेट अभी बंद है जो कि बारिश कम हुई है तो पानी भी स्तर भी कम है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको और भी मैं दिखाऊंगा। ये फ्रेंड्स बताना चाहूँगा आपको कि ये पावर प्लांट बना हुआ है जहाँ पर लाइट का उत्पादन होता है, देख सकते हैं। और पूरा हरा भरा यहाँ का क्षेत्र है तो बहुत ही खुशनुमा क्षेत्र यहाँ लग रहा है। फ्रेंड्स आप भी आइए बढ़िया और यहाँ का मज़ा लीजिए, क्योंकि घूमने में मज़ा है, घर में बैठने में क्या मज़ा है। फिलहाल ये पूरे डैम का नज़ारा हम दिखा रहे हैं आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ आने के बाद आपको पानी की व्यवस्था है, आप यहाँ पानी पी सकते हैं। ये पूरी भारी भरकम मशीन जो है, इधर आपको दिख रहा है, दिखाइए भाई साहब पूरी मशीन दिखाइए। सुंदर नजारा है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत खुशनुमा नजारा यहाँ दिख रहा है आपको। फ्रेंड्स देख सकते हैं पावर हाउस यहां पर जो आपको दिखा रहे हैं, बाणसागर जल विद्युत गृह क्रमांक 3 मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड देवलोंग जिला शहडोल मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स हम इस डैम के इस साइड आ चुके हैं, हम उधर थे अभी, उधर से हम इधर से ऐसे आते हुए आपको दिखाएं वीडियो, आपको देख सकते हैं बहुत बड़ा ये एरिया में बना हुआ डैम बाणसागर का, जहाँ पानी ही पानी आपको दिखेगा। आइए चलते हैं, एक आगे सामने पहाड़ी भी है, वहाँ का भी कुछ दृश्य दिखाएंगे आपको। तो फ्रेंड्स अभी हम डैम घूमने आए हैं बाणसागर का और अभी हम उधर थे, उधर से लगभग 2-2.5 किलोमीटर हम पैदल हीट करके इधर आ चुके हैं और अभी फ्रेंड्स अभी हमारे थक चुके हैं, थोड़ा आराम भी कर रहे हैं। देखिए ये नया नया खून का ताकत दिख रहा है जो जल्दी थक जाते हैं पप्पू हमारे खासकर। तो फ्रेंड्स थोड़ा बहुत मजाक भी होना चाहिए क्योंकि शरीर में खुशी बनी रहे, इसलिए हमारे पप्पू भाई साथ में हम खुशी में मजा लेते रहते हैं। हाँ थोड़ा हम लोग बैठेंगे फ्रेंड्स। तो वाकई में फ्रेंड्स बहुत दूर से हम लोग आए हैं, अभी तक लंबा सफ़र करके आपके लिए ये वीडियो बनाने आए हैं। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे हम आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहें, प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिएगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी हमने आपको बाणसागर का ये पूरा क्षेत्र घुमाया, आपको पूरे डैम दिखाया आपको फ्रेंड्स, बट
हमारी शायद किस्मत नहीं था कि डैम आज बंद है, आपको नहीं दिखा पाए डैम का पानी निकलता हुआ, बट फिर भी हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दिखाने का प्रयास किए हैं। प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स कि हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, और फ्रेंड्स हमारा ये मेहनत कश वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट करिएगा जिससे हम आपके लिए नए नए वीडियो ला सकें। तो फ्रेंड्स हम आपके लिए 200 किलोमीटर दूर हम आए हैं, बहुत ही परेशान हो गए आज के वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करें, शेयर करिएगा जिससे हम आपके लिए नए नए वीडियो ला सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, अपना ख्याल रखिएगा।